हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइस फाइनली ना अभी मैं जा रहा हूँ अपनी एप्रिलिया के पास, क्योंकि वो खड़ी है मेरी जी के पास और वो जी के घर पे खड़ी है। तो भाई फाइनली मेरी कल बात हो गई थी आर्ट एंटरप्राइज के सीईओ से अगेन, और सारी हम लोगों की डिस्कशन हुआ। तो फाइनली जो गलती थी वो आरएसए वालों की थी, और जो सीईओ है उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया, उन्होंने मुझे बता दिया था कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ें थी और कुछ थोड़ी सी इश्यूज़ के वजह से वो हो नहीं पाया था। बट ये कि फाइनली अभी जो आरएसए वाले हैं वो मेरी उस लोकेशन पे आ रहे हैं जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी करी थी। तो भाई अभी जाते हैं और एक बार देखते हैं, गाड़ी को पिक करवाते हैं। तो आप इस वीडियो का एंड तक बने रहिएगा, और जिन्होंने भाई मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। देखते हैं, पहले पिक कर देते भाई को। भाई मेरा वेट कर रहा है कैलाश हॉस्पिटल के पास। तो पहुँचते हैं यार, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अरे अंकल कहाँ ला रहे हो? तो भाई ये देखो, इनकी भी आरएसए में जा रही है रोड साइड असिस्टेंट। तो हो अंकल भी लड़ रहे हैं क्योंकि अंकल को भी वो चीज़ नहीं मिली। तो भाई हमारा पहुँच चुका है यहाँ पे। हेलो ब्रो, व्हाट्सअप। तो गाइस भाई ना भी काम कर रहा था अपना, तू लेके चले तोड़ना भी मेरी गाड़ी लेकर आ जा। तो भाई हम लोग अभी जा रहे हैं हर्रा वाला की तरफ, और अभी उससे मिलते हैं आरएसए वाले से। देखो वो डोई वाला से निकला है, क्योंकि वो यहाँ से नहीं आ रहा है सिटी से, वो आ रहा है डोई वाला से। तो मेरी उससे ऑलरेडी बात हो चुकी है, वो कह रहा है कि मैं पहुँच जाऊँगा जल्दी। तो भाई हम लोग उससे थोड़ा पहले पहुँचते हैं, क्योंकि कहीं वो लोकेशन ने ना प्रॉपर पहुँच पाया, इधर उधर भटक गया। तो भाई उससे पहले पहुँचते हैं। दोनों ने पहन रखे हैं हेलमेट विद गोप्रो, और भाई सब लोग हमें देखते हुए। तो भाई पहला फ्लाईओवर आने वाला है और हम फ्लाईओवर में जाएंगे, स्पीड में देखते हैं कितनी जाती है। हाईवे से अंदर जा रहे हैं हर्रा वाला की तरफ, और भाई ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो भाई अभी देखते हैं कि वो कहाँ पे खड़ा है। वो कह रहा है भाई 100 मीटर्स की दूरी पे खड़ा हूँ मैं लोकेशन से। ये टेंट वाला, ये रहा क्रेन भाई, इतना बड़ा क्रेन भाई, इतना बड़ा क्रेन आया मेरी गाड़ी के लिए। वाह भाई वाह। भैया आपने फ़ोन किया था ना, बहुत बड़ा नहीं लेकर आया अब ये कार, इतनी सी स्कूटी है वो। चलो चलो चलो। तो फाइनली भैया आ चुका है हमारे पास, आ जाओ भाई घर चलते हैं। पहले घर से गाड़ी निकलवाते हैं बाहर। सूर्य की थी उसको उठा दिया हमने शायद। तो अभी ना वेट कर रहे हैं भाई, वो पता नहीं ट्रक वाला कहाँ रुक गया, वेट करते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है यार, तो मेरी गाड़ी की बैटरी भी चली जाएगी यार। ये देखो भाई अपनी बुलेट धन्नो भाई, पूरी गंदी हो रही है। देखो पूरी गंदी हो रही है, बहुत टाइम से नहीं निकाली क्योंकि अप्रैलिया चला रहा था भाई, हो रही थी गंदी। तो चलो अभी गाड़ी लेते हैं। ये दी फ्रेंड है मेरा, ये मेरा दोस्त है, गाड़ी लेने आ रहे थे। अरे हाँ सॉरी, यहाँ से निकाल ले इसको, वो टो करने वाला आ रखा है ना। पानी पिएगा? हाँ चल अभी बहन हम देख। तो गाइस ये अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही है, देखो भाई ये गाड़ी अभी भी ब्रेकडाउन हो गई है। ये ब्रेकडाउन यार पता नहीं, देख अभी भी देख सेल दे रहा हूँ, हो ही नहीं रही है इसका। मुझे लग रहा है ना जो वो होता है पता नहीं क्या फूका है यार, भगवान जाने। चार्जर चार्जर तो ठीक है, क्या फूका है। तो फाइनली ये हो चुकी है, ये देखो भाई अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही है। और भाई हमारी गाड़ी है, सो ये हमारी SR 160 है जो अभी जाने वाली है वैन में। तो अभी हम इसे लोड करवाएंगे वैन पे, तो आप वीडियो में बने रहिए एंड तक। अंदर नहीं आया भाई ट्रक वाला, अभी भी अंदर नहीं आ रहा है। हाँ वो मोड़ नहीं पाएगा। तो चलो भाई मैं फ़िलहाल ना वहाँ तक धक्का मार के ले चलता हूँ, फिर वो इसको अंदर वो कर लेगा। तो भाई अगेन हम लोग टो करते हुए अपनी अप्रैलिया 160 SR को,
उठा के रख रहे हैं लगे ना बस भाई, मैं भी ये कह रहा हूँ कुछ टूटे ना भाई, बस पता दिक्कत जाएगी। ऐसा सारा पार्ट नहीं आता है, पहले बता रहा हूँ इसका पार्ट नहीं आता है। कंपनी वाले ने भी क्या दिया है, अरे इसका पार्ट नहीं आता है, पहले बता रहा हूँ यहाँ। अगर ये कुछ टूट गया ना तो सीधा ये कम से कम नहीं आएगा, एक महीने बाद पार्ट आएगा, तो इसका रिस्क मत लो। तभी तो इतनी मेरी पंगे हुए हैं उनके साथ। नीचे ही कर लो भैया इसको, रुको इसे पकड़ना ब्रेक यहाँ पे। यहीं पे लगा दूं डबल स्टैंड में, तो अब ये बंद रही है गाड़ी हमारी। क्या फाड़ लग रही है अपनी अप्रिलिया, बट ऐसे जाते हुए बहुत बुरा लग रहा है। तो नहीं लगेगा भैया वो भी। फाइनली हम अपनी बाइक में जाएंगे और हमारी गाड़ी जाएगी वैन में। तो भाई थोड़ा सा ना इनको आगे तक चलते हैं, फिर इसके बाद हम अपना निकल जाएंगे। तो भाई बड़े मुस्कुराते हुए, भाई व्लॉग में आएगा, भाई बहुत मुस्कुरा रहा है। भाई की जो स्माइल है ना वो अलग तरीके की स्माइल है। भाई तो मैं ना बहुत शौक हूँ, इतनी बड़ी गाड़ी कैसे भिजवा दी, मतलब चलो ठीक है बहुत बढ़िया है, फाइनली हमें सपोर्ट मिल गया। और बस अभी हम लोग आगे निकल जाएंगे थोड़े आगे से, क्योंकि हमें निकलना है आगे, हमें पहुंच जाएंगे पहले शोरूम, हम चाबी वहाँ पे उनको हैंड ओवर कर देंगे और तो थोड़ी देर बाद खुद आ जाएंगे ये लोग लेके। फिर हमें दो तीन कुछ काम भी, हमें वो भी करना है। तो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से आगे। ठीक है आप आओ भैया। तो गाइस तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि हमें पहुँचना है टाइम पे वहाँ पे, क्योंकि भाई की गाड़ी खड़ी है कैलाश हॉस्पिटल पे, तो भाई वहाँ से पिक करेगा, फिर हम लोग दोनों जाएंगे शोरूम। भाई ने लगा रखा है बहुत ज़बरदस्त हॉर्न। गाइस फाइनली ना भाई अपनी हिमालयन में आ रहा है, भाई अपनी बाइक लेकर आ गया था, और जो मेरी गाड़ी है वो अभी ऑलमोस्ट आगे चली गई है, हम रिश्ता पुल पहुँचने वाले हैं। कुछ कर रहे हैं भाई लोग, कुछ हो गया। आ रहे हो ना, अभी पहुंच जाओगे ना, तो फिर हम लोग चलते हैं। तो भाई फाइनली ना ये था जो मेरी अप्रिया का निकल गया था, ये टपलर है जो स्टैंड पे लगता है, तो इसकी वजह से गाड़ी मेरी बंद हो गई थी। तो फाइनली ना अभी इसका इशू पता चल गया कि कहाँ पे इशू कर रहा था, तो अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे पहुँचे हैं अगेन। तो ये फाइनली ओके हो चुका है, अभी ये लगाएंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे गाड़ी स्टार्ट होती है नहीं होती है। तो फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, इसका मतलब इशू वहीं पे था, तो भाई वो फाइनली पता चल गया इशू और उसको पूरा परफेक्ट कर दिया। तो फाइनली थैंक यू अप्रिलिया आर्ट्स एंटरप्राइज, और उनने कर दिया हमारी गाड़ी परफेक्ट। अभी हम थोड़ी देर में इसको लेके जाने वाले हैं, तो भाई आशीष भाई है मैसी भाई, उन्होंने हमारी गाड़ी कर दी परफेक्ट, तो अभी हम ना थोड़ी देर में इसको लेके जाएंगे। अभी मैं आया हूँ अपनी बाइक पे, तो अभी बाइक को पहले घर छोड़ूंगा, फिर उसके बाद अपनी अप्रिया लेने आऊँगा। भाई इतनी देर लेट तो नहीं हो रही है, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू। ना गाड़ी का सारा इशू पता चल गया है, और जो भी मैंने पुरानी वीडियो बनाई थी, तो मैं फाइनली अभी बोलना चाहूँगा कि मतलब लाइक आर्ट्स एंटरप्राइज की तरफ से मुझे अभी भी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, और सारा डिस्कशन मेरा हो गया है सीईओ के साथ। जो इशू था वो था सिर्फ़ और सिर्फ
रोड साइड असिस्टेंट की वजह से। तो वो सारी चीज़ें हो चुकी है, मेरी गाड़ी का पता चल गया है, मैंने आपको दिखा दिया वीडियो में कि क्या चीज़ उसका ख़राब था और क्या चीज़ में दिक्कत आ रही थी। तो भाई अभी हम लोग अभी अपनी गाड़ी छोड़ने जा रहे हैं घर, उसके बाद आएंगे और फिर हम अपनी गाड़ी को पिक कर लेंगे। टिल देन आप इस वीडियो को देखो और इन्जॉय करो। बाय बाय।